नमस्कार, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। तो मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। यहाँ ले लिए हैं मैंने आलू और इनको अच्छे से वॉश करके मैंने छील लिया था। और इस रेसिपी के लिए हमें आलू जो है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का चाहिए, छोटा साइज का आलू नहीं होना चाहिए। और हम इस तरह से इसको दो दो भागों में, दोनों भाग हमारे बराबर होना चाहिए, इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे। तो सारे आलूओं को हम कट करके एक भगोनी में डाल करके फिर से एक बार फिर वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर वॉश करने के बाद इन आलूओं को इसी भगोनी में हम एक गिलास पानी और आधी चम्मच नमक डालकर हमको इनको बॉईल करना है। बॉईल हमको इनको केवल 80% तक करना है, पूरी तरह बॉईल नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम ढक करके छोड़ देंगे। तो अब हम एक दूसरे तरफ एक भगोनी में ले लेंगे, एक चम्मच के करीब ले लिए हैं मैंने तरबूज के बीज और एक चम्मच के ही करीब खरबूज के बीज और एक चम्मच के करीब ही ले लिए मैंने ये खसखस के दाने और आधी मुट्ठी के करीब ले लिए हैं ये मैंने मूंगफली के दाने और 4 से 5 काजू और 4 से 5 के करीब ही मैंने यहाँ बादाम लिए हैं। एक ले लेंगे हम लाल मिर्च और उसको इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे। और 4 ले लिए हैं मैंने पूरे टमाटर, तो ये भी हम इसमें मोटे मोटे पीसेज में, हमें इनको बारीक पीस में कट नहीं करना है, मोटे मोटे टुकड़ों में हम इनको कट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आप इसमें काजू बादाम ना डालना चाहें तो आप इसमें मूंगफली की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जहां मैंने आधी मुट्ठी ली है आप पूरी 1 मुट्ठी इसमें डाल दें। तो ये हम देखिए टमाटरों को पूरा कट कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी और हम इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर एक तरफ बॉईल होने के लिए रख देंगे जब तक कि ये हमारे टमाटर बिल्कुल से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए हमारे आलू भी 80% तक बॉईल हो गए हैं। अब हम इनकी फ्लेम को कर देंगे बंद और इनको इनका पानी निकाल करके और इनको एकदम से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम के करीब पनीर ले लिया था और उसको मैंने हाथ से इस तरह से एकदम से बारीक बारीक टुकड़ों में क्रश कर लिया है, एकदम से बारीक कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया और आधी चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे हम इसमें हल्दी और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम ही इसमें आप टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब जो हमारे दूध के ऊपर मोटी सी मलाई जमती है ना, घर में जो मलाई रखी रहती है वही मलाई मैं डाल रही हूँ इसमें। ये थोड़ा सा इसको कंबाइंड करेगा, मतलब मिक्सचर को जो है वो बाइंड करने में हेल्प करेगा क्योंकि एकदम मिक्सचर भुरभुरा है ना अभी। तो हम इसको हाथों से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तो हमारा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। और ये जो आलू थे ना, आलू भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम लेंगे एक छोटा चाकू और चाकू को एकदम से चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए हम इसमें एक सर्कल सा बना लेंगे। तो हमें इसमें बीच में आलू को में जगह चाहिए, तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम इसमें पूरे में छोटा सा गोल सा बना लेंगे, मतलब छेद बना लेंगे ताकि जो हमने ये पनीर का मिक्सचर बनाया है ना अपने आलू को आलूओं में वो भर सकें। तो हम इसी तरह से ये पूरे आलूओं में इसी तरह से बीच बीच में होल बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा आप संभल करके कीजिए क्योंकि ये आलू के टूटने का डर होता है, नहीं तो ये हो तो एक दो आलू में परेशानी आएगी, उसके बाद आप ये आराम से कर लेंगे। तो जो पनीर का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो पनीर का मिक्सचर हम लेते जाएंगे और जो हमने आलू में होल किए ना उनमें बीच बीच में भरते जाएंगे जितना अच्छे से बन जाएगा। तो हम सारे आलूओं को इसी तरह से भर करके तैयार कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो सारे आलू हमने तैयार कर लिए, अब बनाएंगे हम इसके लिए गोल। तो ये मैंने ले लिया है मैदा 4 से 5 चम्मच और इसमें डालेंगे हम आधी से थोड़ा सा कम नमक और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक घोल बना लेंगे। एकदम से ये हमें पतला घोल चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी का ये हम घोल बना करके तैयार कर लेंगे। और आप पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, इकट्ठा ना ऐड करें नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। घोल तैयार है, अब हम जो हमने आलू स्टफ किए ना वो इस घोल में हम डुबा डुबा करके फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने रख दी है फ्लेम पर कढ़ाई। तो हमने इसमें ले लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो जो भी आप ऑयल पसंद करते हैं वो ले सकते हैं और इसको हम अच्छा थोड़ा सा गर्म हो जाने दें ये ऑयल को अपने, और एक एक करके इसमें हम अपनी जो घोल बनाया है ना उसमें डोब डोब कर इसमें अपने जो आलू है ना स्टफ्ड वो डालते जाएंगे। तो आपके जितने भी पीस कढ़ाई में बन जाए उतने पीस आप इसमें आलू के डाल दीजिए और इसको मध्यम आँच पर एक
मिनट तक बिना टच किए अच्छे से फ्राई होने दीजिए। उसके बाद आप फ्लेम को इसकी धीमी कीजिएगा और इसको एकदम से क्रिस्पी होने तक पकने दीजिएगा। और एक मिनट के बाद ही हम इसमें अपनी चम्मच को टच करेंगे और इन्हें इधर उधर पलट देंगे। तो देखिए अब एक मिनट हो गया है, ये हमारे हल्के हल्के से आलू ब्राउन हुए हैं एक साइड से, तो हम इनको अच्छे से पलट देंगे। तो ये हमारे जब तक क्रिस्पी ना हो जाए, जब तक हमें इन्हें पकाना है। तो आप एक तो इनका इसी तरह से इनको फ्राई करके स्नैक के रूप में आप शाम को चाय के साथ या किसी भी मेहमान आने वाले हों तो इस तरह से आप बना करके थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल करके ये आलू सर्व कर सकते हैं। स्नैक के रूप में भी ये खाने में बहुत यमी लगते हैं। तो एक तो रेसिपी आपकी यही बन जाएगी कि हम इन आलूओं को इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा मैं आप आगे देखिए रेसिपी को, तो हम मैं इससे आपको और भी एक यमी रेसिपी बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए स्नैक के रूप में तो हमारे आलू तैयार हो चुके हैं, तो हम इन सबको निकाल लिया है हमने। अब हम इसी तरह से इसमें अपना दूसरा बैच डाल देंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा। तो जब तक हमारे ये आलू फ्राई हो रहे हैं दूसरे बैच के, हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो जो हमने टमाटर वगैरह सब मिक्सचर बना करके जो बॉयल होने के लिए रखा है वो एकदम से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके और मिक्सी जार में लेकर के इसको एकदम से क्रीमी पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारे दूसरे बैच के आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हमने ले लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई, कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें डाल लिया है थोड़ा सा, मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें ले लिए मैंने आधी चम्मच जीरा, और 10 से 12 दाने ले लिए हैं मेथी के, और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें 4 से 5 काली मिर्च, और तेज पत्ता डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी डाल दी है ये पत्थर के फूल, और थोड़ा सा डाल दिया है हमने कड़ी पत्ता, और 1/2 इंच का टुकड़ा डाल देंगे हम इसमें दालचीनी का, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें किसकर के अदरक, 1/2 इंच के करीब डाल देंगे, और 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें हींग, और बारीक कटी हुई इसमें डालेंगे अब हम हरी मिर्ची, आप 1 से 2 हरी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। और ये खड़े मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये सभी आपको धीमी आँच पर करना है, इसकी आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें अपना धनिया पाउडर, उसके बाद पूरा 1 चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर, और 1/2 चम्मच के करीब डाल देंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर, और इसको एकदम धीमी आंच पर ही हमें थोड़ा सा सेकना है। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, और अब हमने जो क्रीमी पेस्ट बना के रखा था ना अपना टमाटर का वो मिक्सचर का, उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हम मध्यम आंच पर पूरा 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, तो ये जो ग्रेवी है ना हमारी ऑयल छोड़ देगी। तो ये करीबन 5 से 7 मिनट में देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है हमारी ग्रेवी ने। अब हम क्या करेंगे, जो घर में मलाई रखी रहती है ना दूध के ऊपर, जो मोटी सी मलाई जमती है वही मलाई है, तो हम इसमें 4 से 5 चम्मच वो मलाई ऐड कर देंगे। और इसको मलाई ऐड करने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है, इसको हमको छोड़ना नहीं है। तो हम इसको मलाई डाल करके फिर से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये फिर से ऑयल छोड़ दे, जो ग्रेवी में ऑयल दिखने लगे, तो ये हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप दही डालना चाहते हैं इस ग्रेवी में तो आप इसमें ताज़ा दही 4 से 5 चम्मच के करीब वो भी ऐड कर सकते हैं, तो आपकी ग्रेवी का स्वाद और बढ़ जाएगा। और 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे अब हम इसमें नमक, मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ यही सब्ज़ी, अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएं तो आप थोड़ा सा कम नमक कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। तो देखिए दोबारा से हमारी जो ग्रेवी है ना उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब जो हमने अपने आलू वो फ्राई किए थे ना स्टफ्ड, वो इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। तो देखिए स्टफ्ड आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह से इस सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं, पूरे जो अपने आलूओं को पूरी ग्रेवी में अच्छे से कोट करके आप इसको इसी तरह से सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। लेकिन मुझे आज ये सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए है, तो मैं इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल दूंगी। तो हम सारे आलू डालने के बाद इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल करके इसको एक बार थोड़ा सा बस एक बॉयल देंगे, और उसके बाद हमारी ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको दोस्तों मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं। तो देखिए सब्जी को मैंने एक निकाल लिया है बाउल में, और हम थोड़ा सा मलाई ले लेंगे और छन्नी से छान करके हम इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई डाल लेंगे, और इस तरह से चम्मच से लेकर के पूरे में घुमा देंगे, तो ये हमारी सब्जी का लुक थोड़ा सा
अमेजिंग सा दिखने लगेगा। और इसको हम एक धनिया के पत्ते से सजा देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।